अच्छा आज का जो है ना, चलें अब सीरियस हो जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक बच्चों, पहले भी बात का बार बार कर चुके हैं, क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछना है, नहीं समझ आ रही तब भी आपने मुझसे पूछना है, ठीक है? लेकिन अगर वो आपस में डिस्कस करते हैं तो वो फिर शोर वगैरह ये शुरू शुरू हो जाता है। अच्छा अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे दो कंसेप्ट, एक यहाँ पे लिखा भी है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ LM, लैंग्वेज मॉडल, और एक मैं लिख रहा हूँ TC, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक? अच्छा अब क्या हमने ये थोड़ा सा पहले टच किया हुआ है, दोनों को हमने पहले थोड़ा सा टच किया था। मैं दोनों की पहले एग्जांपल लेता हूँ और फिर लेक्चर की तरफ देखेंगे क्या क्या होगा, ओवरव्यू देखते हैं फिर स्लाइड्स की तरफ आएंगे। पहले की जो लैंग्वेज मॉडल का जो डेफिनेशन है या इसकी जो एग्जाम्पल है, पहले वो अच्छी तरह आप समझ लें। हमारे पास जब टेक्स्ट की बात करते हैं, वर्ड्स की, टेक्स्ट चाहे वो ऑडियो का टेक्स्ट हो चाहे वो रिटन का टेक्स्ट हो, तो दो मेजर काम होते हैं। दो मेजर काम कौन से होते हैं? पहला काम होता है जिसे कहते हैं सेंटेंस जनरेशन, सेंटेंस जनरेशन। और ऑटोमेटा के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और नेक्स्ट इवेंट या उनको कंबाइन करके आपने एक प्रोग्राम बनाना, ठीक है? इसी तरह सेंटेंस जनरेशन बड़े आसान लफ्जों में, आपके पास सेट ऑफ वर्ड्स मौजूद है विदाउट देयर सीक्वेंस, आपने उनका एक सेंटेंस बनाना है जो सिंटेटिकली भी ठीक हो और सिमेंटिकली भी ठीक हो, यानी कि जिसके ग्रामर भी ठीक हो और मानी भी समझ आ जाए, ठीक है जी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बड़ा आसान से वर्ड्स कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ यार मेरे पास वर्ड्स हैं वांट, फूड, ईट, आई, टू, तो आप बड़े आराम से बेस्ड ऑन यूर लर्निंग क्या बता सकते हो कि सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू ईट फूड, ऐसे ही ना, मेक श्योर ऐसे ही। ये जो सेंटेंस बनाने का तरीका है गिवन दीज वर्ड्स, इसको कहते हैं लैंग्वेज मॉडल। इसे कहते हैं लैंग्वेज मॉडल, ठीक है? पहली डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन भी एक है, आपके पास एक वर्ड या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दिए गए और आपसे कहा जाता है कि यार अगला वर्ड प्रेडिक्ट करो, ठीक है? ये भी लैंग्वेज मॉडल होता है। इससे मुराद क्या है? मैं कहता हूं यार पहला वर्ड है आई, दूसरा वर्ड है वांट, अब आप गेस कर सकते हो अगला वर्ड क्या होगा? कर सकते हैं ना, टू हो सकता है और आई वांट, अब कुछ एग्जांपल बोलते जाए, आई वांट फूड, आई वांट टू ईट फूड, आई वांट टू प्ले, टू तो फिर आगे कोई और चीज है वांट के अलावा, आई वांट गुड ग्रेड, हो सकता है ना? इसका मतलब क्या है? लिमिटेड हो गया ये, ऐसे ही ना। चलो आई वांट गुड लर्निंग, मैं अच्छा सीखना चाहता हूँ, ग्रेड के अलावा भी चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि नहीं? इन एनी केस तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब ये आए शुरू वाले वर्ड, तो नेक्स्ट को हमने प्रेडिक्ट करना, गैस करना, ये भी लैंग्वेज मॉडल है। लैंग्वेज मॉडल की दो ही डेफिनेशन है कि लैंग्वेज मॉडल क्या, एक मैकेनिज्म है जिसकी मदद से आप वर्ड्स को लेकर सेंटेंस बनाते हैं या गिवन वर्ड्स में या गिवन सीक्वेंस के अगेंस्ट नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करते हैं। ये बात समझ आ जाती है हमें, गुड हो गया। अब अभी देखेंगे इसको करते कैसे हम ना। अच्छा इसी तरह दूसरा हमारे पास था टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर जो हमने एग्जांपल उठाई थी वो सिंपल थी, कौन सी थी हमारे पास? उसके लिए हमने नाम यूज किया था सेंटिमेंट एनालिसिस या ओपिनियन माइनिंग, याद है ये वाली चीज? तीन लफ्ज है ओपिनियन, यार बता रहा हूं दोबारा बता रहा हूं, रिव्यू, सेंटिमेंट। अब एग्री करते हैं, ये टर्म बोली है कि नहीं बोली? नहीं बोली तो आसान लफ्जों में समझ आ रही है, क्या मतलब है इसका? हमने मूवी रिव्यू की एग्जांपल ली थी जिसपे अभी मैं, अगर आपको, मैंने फिगर रखी हुई है इसलिए कि वो मुझे था कि रिव्यूअर भी थोड़ी सी देख लेंगे, जिसके अंदर आपके पास कोई मूवी का रिव्यू है जिसमें शायद वर्ड थे विम्सिकल मूवी, वेरी गुड आइडिया, फुल ऑफ सटायर, कुछ याद है किसी को? भूल गए, ठीक है? मूवी रिव्यू जिसको कह रहे थे। ओपिनियन उसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मूवी का रिव्यू है वो आपका एक ओपिनियन है ना, आपका ख्याल है। इनका ख्याल अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, दूसरे का अलग हो सकता है, तो वो ओपिनियन है। इसी तरह तीसरा वर्ड मैंने सेंटिमेंट लिखा, अगर आप मूवी का रिव्यू कर सकते हो तो सेंटिमेंट्स का भी कर सकते हो, इमोशंस का भी कर सकते हो, इमोशंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं, ठीक है? तो ये दो एग्जांपल्स हमने देखनी है अभी ना। अच्छा ये तो बैकग्राउंड हमारा हो गया,
अब हमने करना कैसे, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने करना कैसे, ठीक है। इसको करने का जो सबसे आसान तरीका यहां पे अभी चलेगा, उसमें दो तीन चीजें। एक तो हम थोड़ा सा देखेंगे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट ना, और इसमें ये नहीं होगा कि हम जो FSC या BSC में प्रोबेबिलिटी पढ़ते रहे उसके अंदर जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये बात भी आप सब एग्री करोगे, याद है प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी FSC में शायद या 10वीं 12वीं में, स्टैट्स के अंदर थी। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि हमारे पास किसी भी इवेंट के अक्कर होने के चांसेस होते हैं, ठीक हो गया। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई आज क्लास होगी या नहीं, एग्रीड ऐसे ही। अच्छा ये तो है सिंपल एक सिंगल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कंडीशनल का मतलब ये होता है कि ये चीज़ हो चुकी है, अब क्लास होगी या नहीं। इससे मुराद मैं ये ले रहा हूँ कि जब आपने कोर्स के लिए जब आप लोग एनरोल करते हो तो आपका ये ख्याल होता है कि जी 16 के 16 लेक्चर होंगे लॉजिकली, ऐसे है ना मेंटली तौर पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कभी टीचर नहीं आता, कभी स्टूडेंट भी गायब हो जाते हैं, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो कंडीशन होती है कि किसी वजह से इवेंट चेंज होना, एग्री बात समझ आ रही है। पहली प्रोबेबिलिटी सिंपल प्रोबेबिलिटी है जिसके अंदर इवेंट की अपनी प्रोबेबिलिटी है, दूसरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ये अकर हो गया ये होना है, ऐसे ही। तीसरी एक और होती है, वो कौन सी होती है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट होती है कि दो इवेंट्स इकट्ठे कैसे अकर होंगे, ठीक है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल और सिंपल प्रोबेबिलिटी या सिंगल इवेंट प्रोबेबिलिटी, तीन ही कंसेप्ट हैं ये, ठीक है। इनकी मदद से हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, मेरा ख्याल स्लाइड्स में देख लेंगे, ऊपर नीचे ना ही हो। अच्छा उस जी 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 ज्वाइंट तीन, ये देखना एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, लेट्स से इधर देख लेते हैं। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आसान है, बिल्कुल आसान है। देखें आपके पास ना दो इवेंट हैं, लेट्स से आप कहते हो ए और बी, दो इवेंट है, ठीक है। इवेंट से मुराद कोई भी चीज जो अकर हो सकती हो, क्लास हो सकती है, मैथ की हो सकती है, कंप्यूटर साइंस की हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। ए है जब वो सिंगल, कितने चांसेस हैं उसके अकर होने के, जब कोई और एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, ठीक है। कंडीशनल है कि बी हैज अकर्ड, अब ए होगा कि नहीं, ये है कंडीशनल, ऐसे लिखते थे, ठीक हो गया। और ज्वाइंट क्या है कि दोनों कैसे अकर होंगे, ज्वाइंट, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये तीन कंसेप्ट हैं, इनको खैर हम अभी यूज करेंगे, स्लाइड में काफी डिटेल में है ये, इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी, वैसे भी आसान यही था। अच्छा इनकी बेस पे हम एक रूल पढ़ेंगे जिसे कहते हैं चेन रूल। चेन रूल आपने शायद पहले भी देखा होगा, मैं फिर रिवाइज करवाऊंगा पहले, उस चेन रूल की मदद से हम फिर लैंग्वेज मॉडल की तरफ चलेंगे, ठीक हो गया। और कुछ बेसिक अजम्पशन हैं वो मैं पहले बता भी देता हूँ और फिर आगे भी स्लाइड्स में भी देख लेंगे। मैंने ना जैसे भी एग्जांपल ली थी कि हमने नेक्स्ट वर्ड बताना है, मेरे पास बेसिक वर्ड दिए गए हैं आई वॉन्ट टू ईट, और आखिरी वर्ड मैंने गेस करना है, मैंने आखिरी वर्ड गेस करना है, ठीक हो गया। अब यहां पे ना वर्ड लिखा हुआ है लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। इसके इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका भी है, उसे कहते हैं एनग्राम्स। एनग्राम्स यहां पे ग्राम का मतलब सिंपल है, ग्राम का मतलब है वर्ड, WORD वर्ड, इसका मतलब क्या है वर्ड, और इसका मतलब है 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। लिख लें फिर मैं बोलता हूं, ये चाहते हैं ताकि आप जागते रहो सारे ना, इन्हें नहीं किसी, नहीं किसी, नहीं किसी, इस पे वापस आते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, लैंग्वेज मॉडल, इसके लिए एक और फिनोमेना या एक और तरीका डिस्क्राइब करने का, उसे कहते हैं एनग्राम्स, ठीक है। एनग्राम्स का मतलब है एन वर्ड्स, ठीक है, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। अब अगर मैं ये कहूँ आई वॉन्ट टू ईट, ये वाला सेंटेंस, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, पीछे वालों पर, सिर्फ ईट पे या बाकियों पर भी, आई पे भी, और इसका मतलब है, इसका आसान लफ्जों में मतलब ये है कि ये इस पर भी डिपेंडेंट है, इस पर भी डिपेंडेंट है, इस पे भी, इस पे भी, ऐसे ही। अब अगर मैं ये कहूं कि यार ये सारे 1-1 ग्राम है, तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4, ऐसे ही कि जो करंट वर्ड है दैट इज डिपेंडेंट ऑन 4 ग्राम्स, अपने से पिछले 4 पे डिपेंडेंट है, एग्री डेबा समझ आ रही है, गुड हो गया।
अच्छा एक और भी हो सकता है तरीका कि नहीं यार ये बहुत पीछे है, ये सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है, ईट पे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दो ऑप्शंस मैं रख रहा हूँ सामने। एक ऑप्शन ये है कि जो भी वर्ड आ रहा है वो अपने से पिछले सब पे डिपेंडेंट हो, और एक ये है कि नहीं यार जो वर्ड है वो सिर्फ अपने से पिछले पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, अब जरा रिलैक्स होकर सोचते हैं, या आप सोचो क्या ख्याल है कौन सी बेहतर होगी। अच्छा चलें इन्हीं की डेफिनेशन पे अगर चलें, है भी रफली ऐसे ही। बेहतर कौन सी आपको अगर दिया जाए तो कौन सी करोगे, पहले वाली या दूसरे वाली, कि जिसमें सारों पे डिपेंडेंट है या सिर्फ पिछले पे डिपेंडेंट है। अभी भाई वही सिंप्लीफाई कर दिया ना उसको, दो तीन तरीके से हो सकता है, क्वेश्चन सिंपल है, आगे चलना है ना हमने। रुकें जरा देखें, मैंने भी वही क्वेश्चन किया, भाई ने भी एक आंसर दिया, मैं वही आपसे दोबारा सबसे पूछ रहा हूँ। एक ऑप्शन है ऑप्शन वन दिस वन, कि ये सेंटेंस सब पे डिपेंडेंट है, ये वर्ड सॉरी, और दूसरा ऑप्शन है कि ये वर्ड जो है सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है। जी ये कंप्यूटर साइंस वाले फजूल आंसर नहीं बनते कि रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर साइंस में ना मैं चलें इस तरह कर देता हूँ, कंप्यूटर साइंस में जो एडवांस कोर्सेज हैं उनमें एक ही रिक्वायरमेंट होती है, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि आंसर शुड बी जनरलाइज्ड, जितना स्पेसिफिक आंसर होगा उतना वो फेल्ड सिस्टम होगा। इसका मतलब समझ आ गई आपको मेरी बात, कि आपका अगर ऐसा डाटा आ जाता है जो नहीं देखा हुआ उस पर भी चल पड़े, मेरा मतलब लिया आपने दोबारा। अच्छा अब पहले वाले में क्या होगा, कि पहले वाले में बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर होगा, जरा सी भी कोई चीज चेंज नीचे ऊपर होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट की जगह आई की जगह मैं कहता हूं आई हैव टू ईट, अब क्या होगा, आंसर प्रोड्यूस नहीं होगा ना पहले वाले केस में। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसे ही दूसरे वाले में हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है ना कि ये जो वर्ड है लॉजिकली सिर्फ वो पिछले पे डिपेंडेंट है, इसको कहते हैं मार्कोवियन प्रॉपर्टी, मार्कोवियन। फर्स्ट वन जो है, सॉरी सेकंड वन, सेकंड वन फर्स्ट नहीं, सेकंड वन, सेकंड वन मार्कोवियन प्रॉपर्टी, के बजाय इसके कि डाटा जो है या जो वर्ड है वो सारे पिछले डाटा पे डिपेंडेंट हो, वो सिर्फ अपने से पिछले पे हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं मार्कोवियन प्रॉपर्टी। मार्कव शायद आपने नाम सुना होगा, हिडन मार्कव मॉडल सबसे मशहूर इसकी टर्म है, रशियन साइंटिस्ट थे कोई, उनकी ये प्रॉपर्टी उन्होंने कही थी, ऑल दो कॉमन सेंस भी कहती है, लेकिन स्टिल ये दो ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ये अभी इसके हम एप्लीकेशन भी देख लेंगे कि मार्कोवियन प्रॉपर्टी की क्या है। ठीक है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा मैं इसको और जोड़ देता हूँ। अच्छा एक ऑप्शन ये भी है कि ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही ना हो, आई वॉन्ट टू ईट जो है ना किसी पर डिपेंडेंट ना हो। आपने लास्ट मैंने स्लाइड्स में लास्ट टर्म में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, फ्रीक्वेंसी टेबल, याद है फ्रीक्वेंसी टेबल क्या था, एक एक वर्ड आपके डाटा में कितनी दफा अकर हुआ है। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये कहो कि नहीं यार सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में जो सबसे ज्यादा वर्ड अकर हो रहा है वो पहला वर्ड होगा बस। ठीक है, जैसे ये होता है, देखें ये लॉजिकल भी है, अगर एक बच्चा है, एक बच्चे को आप सिखाते हो कोई चीज़ और अगर उसने सबसे ज्यादा रट्टा एक ही चीज़ पर लगाया हुआ है, आपसे जैसे मर्जी कहेंगे वो क्या कहेगा, यही आंसर है, एग्रीड, ऐसे ही ना। अगर उसका नॉलेज बहुत ही स्पेसिफिक है यही होगा ना आंसर, तो वो हर चीज़ का एक ही आंसर दे रहा होगा। ये वही चीज़ है कि एक ऑप्शन ये भी है कि किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये है। इसके लिए जो वर्ड करते हैं उसे कहते हैं यूनीग्राम, यूनीग्राम एक वर्ड। ठीक है, एक वर्ड अगर आपका पिछले पे डिपेंडेंट है इसे कहते हैं बाईग्राम, BIGRM बाईग्राम, लिख लो जरा खुद ही। तीसरे को कहते हैं ट्राईग्राम, अगर दो वर्ड्स पे, उससे अगला है 4 ग्राम, फिर 5 ग्राम एंड एन ग्राम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यूनिग्राम का मतलब सिंगल वर्ड, आपने यहां पे गेस करना है आपका सिंगल वर्ड कौन सा है यूनिग्राम में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल में आ रहा है, बाईग्राम कौन सा है जिसमें पिछला वर्ड भी आ रहा है, हाँ जी ट्राईग्राम में पीछे वाले दो आ रहे हैं, 4 ग्राम में 4 वर्ड टोटल हो रहे हैं, एक वही 3 पीछे वाले आ रहे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बस वो एज ही उठा के फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बना के दे देगा। ठीक है जी, बात समझ आ जाती है, चलें इसको भी देखेंगे भी सही। अच्छा जी एक ये तो हो गया हमारे पास मॉडलिंग का, ये देख लेते हैं और था, अच्छा सॉरी
इस तरह की कोई फार्मूला याद आता है किसी को? बेस का, बेस थ्योरम कोई याद है? एफएससी में पढ़ाओ, बीएससी के अंदर पढ़ाओ, प्रोबेबिलिटी का, जिसके अंदर आपने शायद ऐसे पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, ऐसे ही था प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये क्या हो? दो का अलग है, चलो जो भी था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कोई याद है किसी को? ऐसे हमारा अब इस पर फोकस नहीं है कि ये क्या है, हम इसके ना मेन उस पर आते हैं जो हमें चाहिए इसमें से, ठीक हो गया। मैंने जो ऊपर लिखा है वो क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी और डी सी, क्या लिखा हुआ है ये? अब मैं अब अच्छा थोड़ा दोबारा बता दूं, जो हमारा पहला लेक्चर का पार्ट था वो लैंग्वेज मॉडल का था, उसके कंसेप्ट मैंने बोल दिए, अभी स्लाइड्स में डिटेल में आता है अभी ना, एग्जांपल्स भी देखते हैं। लामा वाला क्वेश्चन मुझे इतनी याद नहीं रहती इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, वो भी देख लेते हैं। दूसरा जो है हमारा पार्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का, जो हमने शुरू किया था, मैं रफली उसका आइडिया हमारे पास क्या था कि हमारे पास कोई टेक्स्चुअल डॉक्यूमेंट दिया गया और आपने उसको क्लास लगानी है, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर वापस आते हैं, एक आपको डॉक्यूमेंट दिया गया और क्लास लगानी है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ए बी जो इवेंट थे उन्हें डॉक्यूमेंट और क्लास में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रही है बात, ऊपर से जा रही है, ठीक। बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम। अब ये तो चले मैं सालों तुम समझाता भी हूं अभी, लेकिन स्टिल ये बेस थ्योरम लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसकी डेफिनेशन ये है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर आपने निकालना है तो आपने पहले ये काउंट करना है कि जी बी और ए कितनी दफा कर हुए हैं, इंडिविजुअल ए कितनी दफा कर हुआ है और बी कितनी दफा इंडिविजुअल कर हुआ है, ठीक है। ये इसका फार्मूला है बेस थ्योरम का, ठीक हो गया। अब इसकी डिटेल क्या है वो उस पर वापस आते हैं। इसको मैं डाल रहा हूं दोबारा अपने प्रॉब्लम पे। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है और उसे लेबल लगाना है, क्लास में असाइन करना, ठीक हो गया जी। उसके लिए ये फार्मूला लिखा हुआ है कि कितने क्लासेस हैं जिनकी डॉक्यूमेंट, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन क्लास में मौजूद हैं, पहली चीज, फिर कितनी क्लासेस मौजूद हैं और कितने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, चलें इसको मेरा ख्याल है वहाँ से देख लेंगे क्योंकि शायद अभी आपके लिए टफ हो रहा है। इन्हें नहीं कंक्लूड करता हूँ कि दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि लैंग्वेज मॉडल के बाद टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यूजिंग दिस फार्मूला कैसे होगी, और इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और इसे कोशिश करते हैं कि सॉल्व भी कर लें, अगर बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। चलें जी, ये पहली बात यहाँ पे हुई है लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे ना एक वर्ड यूज़ किया है प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं फिर मैं प्रोबेबिलिटी पे आता हूँ। मैंने यहाँ पे ना दो चीज़ें बताई थी, लेट्स से इधर से आ जाते हैं पहले ना, फिर वापस आएंगे, फिर बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे ये डेफिनेशन दी कि मैं चाहता हूँ कि पहला मेरा गोल है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेंटेंस और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। यही हमने लैंग्वेज मॉडल को डिफाइन किया था कि आपके पास वर्ड्स हैं और आपने क्या करना है, सेंटेंस बनाना, या आपके पास वर्ड्स हैं उनका सीक्वेंस नेक्स्ट कैसे करना, एग्रीड। यही वो डेफिनेशन दी है। अच्छा, आप उसको अगर मैथमेटिकली लिखें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब कैपिटल जब लिखा होता है इसका मतलब है सारे वर्ड्स इसमें शामिल होंगे, ऐसे ही सारे वर्ड्स मिलकर क्या बना रहे होंगे, सेंटेंस या एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। समझ आ रही है बात, आसान ही है ना, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स हमारे पास क्या है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है बच्चों, आसान है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह रिलेटेड टास्क है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव गिवन दीज वर्ड्स, ठीक है। तो ये जो मैंने डेफिनेशन दी थी सेम वही है कि आपके पास डब्ल्यू वन से लेकर डब्ल्यू एन तक वर्ड्स हैं, आपने एक सेंटेंस बनाना है, या आपके पास डब्ल्यू वन से लेकर डब्ल्यू फोर तक वर्ड्स हैं और आपने पांचवा गैस करना। इन दोनों को करने का जो तरीका है उसे कहते हैं लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। इसके दो और नाम भी हैं, वो कौन से, एक ग्रामर है और एक लैंग्वेज, और कौन सा दूसरा, चले हाँ ठीक है लैंग्वेज मॉडल ही है, लेकिन लैंग्वेज मॉडल को यूज करते हैं, इसको ग्रामर भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। मेक सेंस, ये बात समझ आ जाती है, कोई क्वेश्चन इसमें, ठीक हो गया। पिछली स्लाइड पे जो था इसकी एप्लीकेशन थी वो अगर आप एक दफा देख लें फिर मैं शायद बोल दूंगा, वरना जरूरत नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगी पढ़ के क्या। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो पहले मैंने डेफिनेशन बता दी, आसान है यार, देखो आप बिल्कुल बच्चों के लेवल पे ले लो, आपके पास कुछ वर्ड्स हैं आपने उनसे सेंटेंस बनाना है, आपके पास कोई सीक्वेंस ऑफ वर्ड है आपने नेक्स्ट वर्ड गेस करना है, ऐसे है, ठीक है। उसके कुछ फायदे बताए हैं क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक को फायदा उठा लेते हैं, अब ये बताएं कि ये वर्ड ठीक है,
या ये वर्ड ठीक है? इन दोनों में कौन सा वर्ड ठीक है? इसका आसान मैं दोबारा करता हूं। देखो, आप एक जगह पे गए, एक जगह पे गए जो ना, लेट्स से उर्दू में ना कोई सेंटेंस लिखा हुआ था, आपने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ठीक है। मे बी कुछ वर्ड जो हैं जैसे हाई विंड्स, ये उसने सही कर दिया, और ये टू नाइट जो है ना, इसको वो सही नहीं कर पाया ट्रांसलेट, ठीक है। अच्छा, यहां पे लार्ज विंड्स को सही किया और टू नाइट को सही नहीं कर पाया, ये बात समझ आ रही है? अब लैंग्वेज मॉडल हम इसलिए कैलकुलेट करें कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस बेहतर होगा, फर्स्ट वाला। क्यों? हाई विंड्स होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जो करेक्ट वर्ड है वो हाई विंड्स होती हैं, लार्ज विंड वर्ड ही नहीं होता। मेक सेंस, ये समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह द ऑफिस इज अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम माई हाउस, पी अबाउट 15 मिनट्स फ्रॉम, अच्छा अबाउट 15 मिनट्स के स्पेलिंग गलत है यहां पे, ऐसे ही, तो कौन सा बेहतर होगा? फर्स्ट वन वाला, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बना रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये इंपॉर्टेंट है स्पीच रिकॉग्निशन का। स्पीच रिकॉग्निशन में हमने बात की थी फोनिम होता है, फोनिम का मतलब ये जब हम बोल रहे होते हैं उसका टेक्स्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम कैसे प्रोनाउंस करें, ठीक है ना। जैसे अगर पंजाबी या उर्दू की बात करें तो कई लोग जो हैं वो मुलक कहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के ओवरऑल कई लोग जो हैं वो कंप्यूटर साइंस को नहीं सही बोल पाते, ठीक है ना। अगर प्योर, सॉरी लेकिन अगर कोई प्योर पंजाबी बंदा हो तो वो क्या बोलेगा, साइंस तो मैं सुनता हूँ, साइंस की जगह साइंस कहते हैं, कंप्यूटर क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं ना। साइंस तो मैंने प्रोफेसरों से सुना हुआ है, बड़े बड़े प्रोफेसरों से, वो ऐसे एग्री ऐसे है, सुना होगा शायद आपने भी, सॉरी लेकिन आप लोगों को फील नहीं होता होगा, जो आउटसाइडर होता है उसको शायद ज़्यादा फील हो जाता है ना, जो रूटीन में बेचारा बोल रहा है। जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर भी होंगे वो मुल्क को मुलक कहते हैं, होता है ना, और इसी तरह सो ऑन बहुत वर्ड होंगे। अच्छा ऐसे, जैसे वो यूके में होते थे तो टी एच जिस वर्ड में आता है ना उसको वो पाफ कर देते हैं, जैसे पाथ है ना, पाफ, कोई मिला ना वो कहते वेयर इज पाफ, हम सोचते थे यार, फिर वैसे ही हम यहाँ से उठ के गए थे, वो किसे पूछते थे यार रास्ता समझना, वो कहते यू वांट टू आस्क पाफ, अब हम सोचते थे यार पफ होता है, पाफ कौन सी चीज होती होगी, नहीं समझिए, पी ए टी एच को एफ कर देते थे उसको। इसी तरह और भी वर्ड होते होंगे, अब याद नहीं है लेकिन होते थे, इन एनी केस, इन एनी केस। तो यही है स्पीच रिकॉग्निशन में, क्या आई सॉ अ वैन, आई सॉ अ वैन, मेरा भी कोई लहजा अच्छा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पे तंज कर रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, मेरे भी कई वर्ड्स होंगे जो आप लोग हंसते होंगे कि यार सर ने प्रोनाउंस नहीं सही किए, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसी तरह आई सॉ अ एन, तो ये रफली अगर जल्दी से हम बोले, मे बी कोई बहुत तेज गोरा हो या मम्मी डैडी बच्चा हो पाकिस्तानी, तो वो इसी तरह प्रोनाउंस कर देगा और हमें मुश्किल से समझ आ जाएगी, ऐसे ही। लेकिन लेकिन सही कौन सा होगा, दिस वन, अगर हमने प्रोसेसिंग करनी है तो ये वाला ना, ठीक है। तो इन एनी केस सी एस की फ्यूचर एप्लीकेशन है लैंग्वेज मॉडल की, तो ये खैर आप खुद भी देखेंगे जरा। अच्छा जी, अब यहाँ पे एग्जांपल ये दी हुई है, जो पहला प्रॉब्लम था कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ वर्ड दिया गया और आपने पांचवा वर्ड कैलकुलेट करना, ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने ये उठाई है, और ये उठाई इसलिए मैंने यहाँ पे ना नीचे लिंक भी दिए हुए हैं कुछ, ये उठाई क्यों हुई है कि ये इन्होंने किसी कॉर्पस से उठाई है, कॉर्पस से। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कंप्यूटर को करने के लिए कोई वोकैबुलरी चाहिए, कोई डाटा सेट चाहिए, उसके लिए वर्ड टेक्स्ट प्रोसेसिंग में कॉर्पस कहते हैं उसे, ठीक है। और अगर किसी को याद हो तो मैंने आपको तीन मेजर कॉर्पस दिखाए थे, और उनमें मैंने क्लियर कहा था कि सबसे बड़ा कॉर्पस है गूगल का एनग्राम कॉर्पस, ये बात याद है किसी को? और उस पर लिखा हुआ था कि कितने वर्ड हैं उसमें, 1 ट्रिलियन वर्ड हैं उसमें, और ये भी 2012 की स्लाइड्स थी, मैंने उसको भी बताया था, अब उसमें मल्टीपल ट्रिलियंस की फाइल है। इन एनी केस, इन एनी केस, ये एक एग्जाम्पल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट, और ये वर्ड गेस करना है, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ लें क्योंकि इस पर आप अगली 10-12 स्लाइड चलेंगे, ठीक है, ये सबको क्रिस्टल क्लियर है। क्या करना है हमने, आई वॉन्ट टू गो टू, और आगे वाला वर्ड गैस करना है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये क्योंकि स्लाइड्स उठाई गई हैं, बुक की स्लाइड्स हैं, तो इस वजह से मैंने इसको रहने दिया, प्रॉपर्टी ऑफ इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट, लेट्स इसको गैस करना, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैथ की, अब थोड़ा सा मैथ तो नहीं, सिंपल ही है प्रोबेबिलिटी का। ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, इससे मुराद क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए हैज अकर्ड, ठीक हो गया, विच इज इक्वल टू ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके डन, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, अब मैं अगर ये चाहूं, क्योंकि मैंने बनाना क्या था, मैंने बनाना इस तरह की सेंटेंस था बेसिकली, जिसमें W1 W2 इकट्ठे आ रहे हैं, ऐसे ही,
और अगर इसको मैं समझना चाहूं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो सबसे क्लोजेस्ट चीज ये वाली है, ये एग्री करते हैं? देखिए हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, W2, W3, W4, तो वो सारी क्या है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ वर्ड्स है। फॉलो करें इस बात को कि नहीं, ये किसको नहीं समझ बात, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखो अगर जो हम करना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि चार वर्ड्स हैं आई वॉन्ट टू गो और अगला वर्ड मैंने गेस करना है, तो आई वॉन्ट टू गो जो है सारे क्या है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज हैं। लेट से आई ए की ए है, वॉन्ट बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एग्री, ऐसे ही ना, गुड हो गया। तो ये चीज हमने यहां पे लिखी और इसको हमने अगर यूं कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ठीक हो गया, गुड। अब इसको यहां पे आ जाते, अब यही जो हमारे पास प्रॉब्लम था वो चार वर्ड थे, आई वॉन्ट टू गो या इट्स वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट, तो उसके लिए हमने चार कर दिया ए बी सी डी। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन पी बी ए, एग्रीड। अच्छा इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी डी ए बी सी, ऐसे होगा ना कि हमने फार्मूला क्या बनाया जो इसका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का, कि अगर दो इवेंट हैं तो एक ए और दूसरा डिपेंडेंट है, तीन हो जाएंगे तो एक जो होगा और अगले दो पे डिपेंडेंट होगा, चौथा आएगा तो तीन हो जाएगा, ठीक है, समझा रहे फार्मूला। ये देखे ना ए बी सी डी सबको कंबाइन करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए गिवन बी ए, इसी तरह फिर सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए बी, डी किस पे डिपेंडेंट है ए बी सी पे, ई किस पे होगा ए बी सी डी पे, जी क्वेश्चन है। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर दो इवेंट है, पहला तो अक्कर हो चुका है, दूसरा पहले पे डिपेंडेंट है, तीन इवेंट है तो क्या होगा, दो अक्कर हो चुके, तीसरा जो है पहले दो पे, चार इवेंट है तो चौथा जो है पहले तीन पे, पांच है तो पहला पांचवा जो है पहले चार पे, ठीक है, ये डेफिनेशन बनी है, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह ये चेन रूल इन जनरल लिखा हुआ है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्सएन, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वन गिवन एक्स टू गिवन एक्स वन, फिर एक्स थ्री जो है इन दोनों पे, एक्स एन जो है वो इन सब पे होगी, ठीक है जी। चलिए यहां तक कोई क्वेश्चन, साकिब भाई समझ आ रही है, चलें फिर थोड़ा सा अब इधर आ जाते हैं, उसी चीज को अगर हम उठा के अब लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले इवेंट की इट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी वाटर, फिर समझ आ गई, पहली दफा अकेला है, फिर साथ पीछे कोई कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, फिर दो इवेंट्स हैं, फिर तीन इवेंट हैं, चार हैं, नौ हैं, दस हैं, पंद्रह हैं, सारे चलते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा अब ये क्या चीज कर दी, सॉरी ये वाली, ये क्या सिंबल है, क्या ये फाई है, फाई कहते हैं इसको, अच्छा फाई कहते होंगे, हम तो प्रोडक्ट पढ़ते हैं इसको, हम तो इसे प्रोडक्ट पढ़ते हैं, वैसे चले प्रोडक्ट भी वही होती होगी, सिंबल फाई कहते होंगे, जो मर्जी कर ले यार, हम इसे प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, फाई पढ़ लें, मकसद क्या है इसका, मकसद सिंपल आसान है, आसान है, कंकेटिनेट किया हुआ है, कैसे किया हुआ है कि अगर आप ये देखो इन सब में क्या आ रहा है, जरब आ रही है, ऐसे ही है ना, तो सिंपल आपके पास क्या है, डब्ल्यू आई की जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये इस तरह चल रही थी ना हमारी, ऐसे ही है? तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर पहली दफा हो, पहली दफा हो तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू जीरो, ऐसे ही है? दूसरी दफा चलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू वन गिवन डब्ल्यू जीरो, समझ आ रही है, हाँ वही बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गिवन W0 एंड W1, प्रोबेबिलिटी ऑफ W3 गिवन 01 012 और साथ वो जरब चल रही है अंदर, तो ये लिखा हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी अब आ जाते हैं हाँ चलें अब डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। अच्छा जी अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि यार ये तो सारी बातें तो हो गई कि यार हमने करना है और ये वाले वर्ड आने, ये आना, वो आना, करना कैसे, करने का अगेन आसान तरीका है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं आई वॉन्ट टू गो और आगे मैंने छोड़ी जगह ना, लेट्स मैं दोबारा एग्जांपल एक लिखता हूं इस पे भी फिर वापस आता हूं, मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू और यहां पे मैं सेंटेंस छोड़ देता हूं, ठीक है, लेट्स मैं रफली सा पूछता हूं क्या एग्जांपल आनी चाहिए आई वॉन्ट टू के आगे क्या होगा, कोई वर्ड बोले ईट, चलें जी
स्लीप। कोई और वर्ड जी? जी और ड्रिंक। ठीक हो गया, इसका मतलब है। अच्छा जी सॉरी, बोले बोले कुछ कह दो। ड्रिंक हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर हम, मैं अब आप सबसे भी लिखवा लूं तो मे भी 20-25 वर्ड्स के बाद हम सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्री करते हो इस बात से? ये तो नहीं हो सकता कि हम लाखों वर्ड लिख देंगे, ये बात एग्री करते हो? लेकिन क्या डिक्शनरी में सिर्फ वही वर्ड होंगे जो हमें आते हैं? नहीं, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि हमारे भी बैक एंड पे कोई डिक्शनरी चाहिए। ऐसे ही है ना, जो हमने सीखा हुआ है। आल दो इंसान में तो रिकॉल का भी ज्यादा मसला है, याद करने का नहीं कि रिमेंबर करने का, लेकिन स्टिल जो हमने सीखा है वही वर्ड बोल सकेंगे। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि जब कंप्यूटर ने भी करना है तो उसको कोई वोकेबलरी चाहिए ना। ये बात समझ आ रही है? फिर मैं वापस आता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। नंबर वन डाटा सेट था जिसके अंदर यूएस के कॉल्स थी। मैंने शायद आपको एग्जाम्पल दी होगी, याद भी होगा आपको, नहीं थी मैं दोबारा बताता हूँ। तीन मशहूर डाटा सेट थे। पहला डाटा सेट ये था कि आपके पास एक यूएस का कॉल सेंटर है जिसमें एक स्पेसिफिक एरिया के रहायशी फ़ोन करते हैं कि यार मेरा ना बिजली ख़राब है तो इलेक्ट्रिशियन भेज दो, पानी की टंकी ख़राब है प्लम्बर भेज दो, ठीक है, मोबाइल नहीं चल रहा फलां चीज़ कर दो। तो इस तरह की डाटा सेट है एक। दूसरा डाटा सेट है शेक्सपियर के नावल का, शेक्सपियर के जो नावल हैं। शेक्सपियर के अगर नावल किसी ने पढ़े हो तो शायद कोई आइडिया हो क्या होता है उसके कंटेंट में। अच्छा और हिस्ट्री, और ठीक हो गया। यानी चार पांच इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कॉल वाले में नहीं हो सकते। ऐसे है ना, कॉल करोगे और रोमांस करोगे तो गालियां देगी आगे से, ऐसे एंड वाइस वर्सा भी, वाइस वर्सा भी। अच्छा तीसरा कौन सा था? गूगल एनग्राम का। गूगल एनग्राम में क्या था? जो हम गूगल पे सर्च करते हैं क्यूरीज, गूगल ने अपना तो कोई नहीं बनाना ना, हमसे ही डाटा लिया हुआ है। अब हम जो सर्च करते हैं वो लामाला बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या वो सारी चीजें कवर कर लेगा? वो प्लम्बर के नंबर देगा? अब तो दे देता है वैसे, लेकिन पहले देगा? नहीं देता था, क्योंकि 90s के बने हुए डाटा सेट। अब वापस आता हूँ, तो अगर आई वॉन्ट टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ और गूगल का कॉर्पस यूज करता हूँ तो आंसर वुड बी डिफरेंट। वो जो बाकी दो बोले हैं अभी कौन कौन से थे उनमें करते हैं तो दोनों में डिफरेंट आएंगे, शेक्सपियर का या उसका। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, बात एग्री करते हैं। तो यही यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटीज आप मैयर करोगे तो डिपेंडिंग ऑन डाटा आप सबके रिजल्ट डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो आई वॉन्ट टू ईट स्लीप प्ले, ये सारे जैसे हम में डिफरेंस है, कंप्यूटर में भी डिफरेंस होगा। ये बात समझ आ गई सारी? अच्छा अच्छा कौन सा होगा कंप्यूटर के लिए? इंसान में भी अच्छा इंसान वो होगा या जिसके नंबर उसके ज़्यादा आएंगे, जो बहुत ज़्यादा वैरायटी देगा। कंप्यूटर थोड़ा और लेवल पे है कि अगर हम गूगल एनग्राम करें उसमें 1 ट्रिलियन वर्ड है तो हम चाहेंगे यार सारों को कंबाइन कर दें, जो तीनों डाटा सेट थे उन सब से मिल के आंसर है। ऐसे ही है ना, ये बात समझ आ रही है सबको? ठीक है जी, चले। अब इसका आसान सा हल है जो इधर भी आंसर दिया हुआ है, वो ये है कि अगर आपने आई वॉन्ट टू स्लीप लिखना है, ईट लिखना है, प्ले लिखना है, तो आप क्या करोगे? आप अपने कॉर्पस में देखोगे जो सबसे ज्यादा वर्ड आई वॉन्ट टू के बाद आया वो चिपका दोगे। समझ आ गई बात की? एग्रीड? जैसे शेक्सपियर के अंदर है तो मे भी आप कहोगे जी आई वॉन्ट टू क्या था, रोमांस, ठीक है, सॉरी लेकिन मुझे खुद नहीं, मैंने कौन से पढ़े हुए नावल उसके। अच्छा इसी तरह अगर प्लम्बर वाला है तो आई वॉन्ट टू कॉल अ प्लम्बर, ठीक है, गूगल वाले पे है तो मे भी जो भी आप सर्च करते हो वो चीजें आएंगी। ठीक है, इसी चीज को इन्होंने यहां पे क्या कहा हुआ है कि कैन वी जस्ट काउंट एंड डिवाइड। इससे मुराद अब क्या है? इससे मुराद ये है कि आपने जो वर्ड नेक्स्ट गेस करना है, जैसे आई वॉन्ट टू ईट या आई वॉन्ट टू स्लीप, इन दो को ले लेते हैं। ठीक हो गया, हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि कितने ऐसे अक्रेंसेज हैं जिसमें आई वॉन्ट टू ईट आया और कितने ज्यादा अक्रेंसेज हैं जिसमें आई वॉन्ट टू स्लीप आया। ये बात समझ आती है? जिसमें ज्यादा आया, जो भी ज्यादा आया उसको आप टेक कर दोगे बस।